भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें 19% न्यूनतम क्षमता उपयोगिता को हासिल करना अनिवार्य है। यानी जितनी बिजली बनेगी उसका 19% उपयोग करना जरूरी है, लेकिन कई बार सोलर पैनल लगाने में हुई गड़बड़ियों के चलते बिजली का उत्पादन क्षमता के मुताबिक नहीं हो पाता। और अब सोलर डेवलपर्स, ईपीसी कंपनियों और किसानों की मदद के लिए गौतम सोलर आगे आते हुए व्हाइट पेपर जारी किया। ये व्हाइट पेपर सोलर पावर प्लांट 25 सालों के जीवन काल में 19% न्यूनतम क्षमता उपयोगिता को हासिल करने पर मार्गदर्शन देता है, जो पीएम कुसुम योजना के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो उद्योग जगत के लिए भी क्रांतिकारी कदम है। जो CUF सर, हमारे हमने आज वर्कशॉप करा है इसके इसमें जो है ना, हम लोगों ने जो फार्मर्स हैं उसमें उनको उनको अवेयर करने के लिए करा है, जो CUF कैसे मेंटेन करके रखे, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 90% तो CUF मेंटेन करना होगा, तो उसके बारे में बात करा। साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट है हम कैसे कैपेबल है, कैसे वो उसको CUF को कैसे मेंटेन कर सकता है, उसके साथ बारे में बात करा। और साथ ही साथ जो है ना, हम लोगों ने एक नया वेयर हाउस डाला है यहाँ पे जयपुर में, उसके बारे में भी बात करा है सर। सबसे पहले तो जो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ जो CUF को वो करते हैं, इन्हेंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, सबसे पहले तो सोलर इरीडियंस होती है जो इम्पैक्ट डालती है डायरेक्टली आपके CUF पे, आपका पैनल की डिग्रेडेशन रेट है वो डालते हैं। और अगर जो पैनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पैनल है वो लो डिग्रेडेशन रेट का होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी आप पैनल्स यूज़ कीजिए, आपकी लो NOCT होनी चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशियंट होना चाहिए। बाकी सब इसमें मेन कंपलसरी होता है साइट लोकेशन भी आपको देखनी चाहिए, उस पर क्या सोलर इरीडियंस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके CUF में बीच में आपको डालेंगे, कम कर सकते हैं, तो फैक्टर आपको फाइंड आउट करने चाहिए। खबर जालौर के भी